Hello students, today we will start types of preference shares and our previous video हमने देखा था कि what is preference shares and features of preference shares. So आज हम देखेंगे kind of preference shares, ये कितने types का होता है. So ये 8 type का है, ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ 4 types का ही देखेंगे. Next video में हम जो remaining है वो next video में हम cover करेंगे. Okay, so आज देखते हैं सिर्फ 4 point. So first point is cumulative preference shares. मीन्स कि एज द नेम सजेस्ट, क्यूमुलेटिव मीन्स अक्यूमुलेट होते रहना, मतलब कलेक्ट होते रहना. जब पढ़ के देखते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन अक्यूमुलेटिंग अनटिल इट इज़ फुली पेड. जब तक उसका पूरा डिविडेंड उसको दे नहीं दिया जाता, तब तक वो अक्यूमुलेट होता रहता है, प्लस होते रहता है, कलेक्ट होता रहता है. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ओके, सपोज़ कि एक ये पर्सन है जिसने कि प्रिफ्रेंस शेयर परचेस किया है, कंपनी में पैसा लगाया है. सो 2018 में उसे पैसे मिलने वाले थे डिविडेंड, सपोज़ कि मान लेते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 मिलने वाले थे. तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंपनी ने उसे 10,000 नहीं दे दिया, या फिर उसका डिविडेंड उसका नहीं मिल पाया किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से. ओके, सो 19 में भी ऐसा ही हुआ कि उसे 10,000 देना था, बट यहाँ पे नहीं दे पाया. तो यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 ये और 10,000 इसका, ये कितना हो गया, 20. ओके, सो फिर 20 में आया सपोज़ अभी के टाइम में, ठीक है, 20 में उसे कितना देना पड़ेगा. सपोज़ उसका डिविडेंड होता है यहाँ पे 10% अगर है, सपोज़ मान लीजिए कि जितना उसका 10,000 उसको देना था, हर हर साल उसको 10-10 देना था. तो यहाँ पे 10 उसने नहीं दिया, उसको यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया. तो यहाँ पे तीनों का ऐड करके प्लस 30 उसे मिलेगा, ठीक है, 30,000 उसे मिलेगा, मतलब कि उसके लास्ट ईयर में, जबकि कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी, जब वो उस टाइम उसे देने वाली रहेगी, तो उसे पूरे ईयर का जो भी उसका जो पेंडिंग है वो उसे ऐड करके देगी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. दिस मीन्स इफ़ द डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन वन और मोर ईयर्स ड्यू टू इन अडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब कि उसके पास इनफ मनी नहीं है, इन एडिक्वेट नहीं मनी है, पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करती है कंपनी, एक साल का या उससे और साल का उसे पे नहीं करती. देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स अक्यूमुलेटेड, दिस अक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल. जब कंपनी इसे कब देती है, जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करने लगती है, तो जो उसका अनपेड रहता है, जितने भी अनपेड बैलेंस होते हैं, जितने भी अनपेड डिविडेंड होते हैं, वो उसे तब पे कर देती है लास्ट में, जब कंपनी अच्छे से ग्रो करती है. मतलब कि उसका एक भी बकाया नहीं रहता है यहाँ पे, एक भी उसका बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस ड्यू नहीं रहता, उसको पूरा चुका दिया जाता है कंपनी के बाय कंपनी, तो कंपनी उसे पूरा चुका देती है. ओके, द एरियार्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो इस दैट मीन्स कि एरियार्स मीन्स क्या चीज़ होता है, एरियार्स मीन्स कि जो भी बकाया रहता है, एरियार्स मीन्स आउटस्टैंडिंग मनी दैट इज़ ओड एंड शुड हैव बीन पेड अर्लियर, ठीक है. सो जो भी उसका रहता है, जो भी आउटस्टैंडिंग रहता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के पहले, उनको पेमेंट करने के पहले ही इसे डिविडेंड दे दिया जाता है, किसे, प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर्स को, क्यूमुलेटिव प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर को. ओके, द प्रिफ्रेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. दैट मीन्स सो क्यूमुलेटिव प्रिफ्रेंस शेयर जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, उनका अक्यूमुलेट होता रहता है, जो भी उनके पैसे हैं वो ऐड होते रहते हैं, या फिर क्या होता है कि जो एसोसिएशन ऑफ, सॉरी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा, मतलब कि उसमें रिकॉर्ड किया जाता रहता है कि हाँ आपका पैसा, मतलब कि अक्यूमुलेट होता रहेगा जब तक कि आपको पूरा पेड नहीं होगा. इट मींस दैट इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड एनी ईयर्स, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली लाइन का मतलब कि अगर डिविडेंड किसी साल पेड नहीं किया गया, सो द अनपेड अमाउंट इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. सो जैसे मैंने बताया कि एक साल का नहीं दिया गया, तो यहाँ पे प्लस करके दूसरे साल में भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लास्ट में तीनों साल का मिला के उसे पूरा उसका पेमेंट किया जाएगा. ओके, सो जो उसका कोई भी, अनटिल ऑल एरियाज हैव बीन पेड, उसके जब तक पूरे नहीं पेड हो जाते, वो पूरा उसका मतलब पे किया जाता है, जितने भी उसके अनपेड रहते हैं. ओके,
सेकेंड वन इज़ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड. दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर. मीन्स कि जो डिविडेंड होता है, नाम से पता चल रहा है कि नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन जहाँ पे है मतलब कि उसका अपोजिट, पहले वाले का अपोजिट है कि यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होता है. सपोज़ जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और इसने सपोज़ कि 18 का ही लेते हैं, 2018 में इसको पैसे देने थे कंपनी को 20,000, नहीं दिया. 19 में भी नहीं दिया, फिर 20 आया, तो 20 में जितना इसका 20,000 बनता है ना, एक 2020 में इसका सिर्फ 20,000 ही आना है, तो सिर्फ 20,000 ही आएगा, इसका ऐड नहीं होगा. ओके, कुछ भी ऐड नहीं होगा. सो दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर. जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, सपोज 2020 में अच्छे से प्रॉफिट हो गया, तो इस साल उसका 2,000 डिविडेंड बनता है, तो 2,000 उनका सॉरी 20,000 उसका डिविडेंड दे देंगे. 20,000 अगर उसका बनता है तो 20,000 उसको दे देंगे, लेकिन पहले का जो उसका बाकी है वो नहीं देंगे. ओके, द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स. यहाँ पे जो उसका क्लेम कर डिविडेंड क्लेम करने का जो राइट होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का, वो लैप्स हो जाता है इफ़ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर. तो कंपनी मतलब कि अगर जिस टाइम पे अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाती है, नहीं दे पाती है, तो यहाँ पे वो क्लेम भी नहीं कर सकते कि कंपनी. इसीलिए कहा जाता है कि जब शेयर में इन्वेस्ट करो तो बहुत सोच समझ के करो, कौन सा शेयर लेना है कौन सा नहीं लेना, वो बहुत सोच समझ के, उसकी जो भी गाइडलाइंस टर्म्स रेगुलेशंस रूल्स होते हैं उसे पढ़ के ही करना चाहिए. कि ये सब चॉइस होती है लोगों की, कौन सा शेयर पे कौन सा किसे कौन सा शेयर पे इन्वेस्ट करना है, वो लोग सोच के करते हैं. तो अगर नहीं समझ के करते हैं तो प्रॉब्लम आती है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पैसे उसे मिलते नहीं हैं. इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड एनी ईयर इट लॉस्ट, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर. अगर उन्हें, जैसे कि हमने बताया कि अगर आपको पहले वाला पिछले साल का आपको नहीं मिला है, उसके पिछले साल का नहीं मिला है, तो आप उसे भूल जाओ, वो मिलने वाला नहीं है. ये फंडा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का. ओके, नेक्स्ट वन इज़ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मीन्स वॉट? द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर इंटाइटल टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड. दैट मीन्स मीन्स जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्हें क्या मिलता है? जो सरप्लस होता है, जो प्रॉफिट का और भी ज़्यादा सरप्लस होता है, वो भी इन्हें डिविडेंड के अलावा इन्हें जो भी प्रॉफिट का सरप्लस रहता है, बचता है, वो भी इन्हें मिलता है. सपोज़ जैसे कि कोई कंपनी है, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, किसी साल की उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया. सो यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है कि फिक्स्ड रेट होता है उसका, फिक्स्ड रेट होता है, सपोज़ कि 10% है उसका या फिर 8% है उसका पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है. तो उसने देखा कि बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, सब मतलब कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे वो सोचता है कि मेरा सिर्फ 8% है, और कंपनी भी सोचती है कि हाँ बहुत, जब सबको दे के हो जाता है, मतलब सबको डिविडेंड सबका दे के हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी रहते हैं, जितने सारे रहते हैं, सबका लोन वगैरह सबका इंटरेस्ट देने के बाद फिर भी कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा और मतलब कि 8% या 10% के बियॉन्ड दे दिया जाता है, मतलब कि जितना इनका रहता है अमाउंट उसके बियॉन्ड भी इन्हें सरप्लस कुछ दिया जाता है, कुछ इन्हें प्रॉफिट में से कुछ और हक भी दिया जाता है, क्योंकि बीइंग अ प्रेफरेंस होल्डर इन्हें भी थोड़ा सा, मतलब ये कंपनी सोचती है इन्हें भी हक है, चलो ठीक है इस बार इतना अच्छा मुनाफा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इन्हें भी थोड़ा सा और दे देते हैं प्रॉफिट में से, क्योंकि ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं. ओके, सो इसके लिए यहाँ पर इनको ये एडवांटेज मिलता है. सो हम पढ़ के देखते हैं पूरा कंप्लीटली कि ये है क्या. ओके, सो द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अप टू सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. दैट मीन्स कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें पता है सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है, हमने हमेशा पढ़ा है कि इन्हें सबसे लास्ट में मिलता है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाता है तब, लेकिन जब यहाँ पे भी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को भी मिल जाता है पैसे, उनके जो भी रहते हैं इनको मिल जाता है, उनका प्रॉफिट, उन्हें उनका हक मिल जाता है, और उसके बाद भी काफ़ी मतलब सर्टेन लिमिट में मतलब काफ़ी पैसे बचे रहते हैं, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है. प्रेफरेंस शेयर जिसका कम रहता है परसेंटेज, बहुत कम रहता है, जिनका फिक्स रेट रहता है, सपोज 8% है, 10% है, तो बहुत कम रहता है ये, तो कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ रहता है, तो यहाँ पे उन्हें शेयर होल्डर के बीच में वो
डिस्ट्रीब्यूट करती है थोड़ा बहुत पार्ट प्रॉफिट के, तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा और मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिफ्रेंस शेयर्स। सो एज द नेम सजेस्ट हियर कि ये उसका जस्ट अपोजिट है नॉन पार्टिसिपेटिंग की, यहाँ पे उसे पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे उसे प्रॉफिट नहीं मिलता। पढ़ के देखते हैं, द प्रिफ्रेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ़ देयर इज़ नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दैट मीन्स सो बेसिकली यही है कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, इसका जो प्रॉफिट होता है कंपनी में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होता है और जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे इसको राइट नहीं होता, इसमें इसकी हिस्सेदारी नहीं होती है, ओके। खास करके तब जब कंपनी कंपनी का जो भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो जो से शेयर का सर्टिफिकेट मिला है, उसमें अगर जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वहाँ पे कुछ क्लियर प्रोविज़न नहीं लिखा है, तो बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करके देखें, सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। ये मीन्स क्या, सेफ कैपिटल होती है, बॉन्ड की तरह होती है। इसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में अगर कंपनी बिकती भी है तो भी इसे वहाँ पर भी प्रॉफिट होता है जब पैसे मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर इसका रूल होता है ऐसा, ओके। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और ये क्या होता है, इसमें सेफ कैपिटल भी होता है। बट यहाँ पे क्या है, ये सेफ कैपिटल नहीं है। जो भी इसका फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, जो भी फिक्स्ड रेट रहेगा, जितना परसेंटेज का डिविडेंड इसे मिलना रहता है, बस उतना ही मिलता है। दीज शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। मीन्स कि ये शेयर होल्डर्स क्या रहता है इनका, कि फिक्स डिविडेंड रहता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनका, जो भी डिविडेंड रहता है उन्हें लगता है कि प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए कंपनी, मैं जितना लगा रहा हूँ मेरा उतना मिल जाए, ऐसा इनका मानना रहता है। इसलिए ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। कंपनी का और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इसके लिए इनका, और जब ये इशू करते हैं टाइम ऑफ इशू, जब मतलब प्रिस्क्राइब करते टाइम, जब ये इशू जब ये शेयर इशू किया जाता है, जब ये सर्टिफिकेट पाते हैं, इनका जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है उसमें भी लिखा रहता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले से ही लिखा होता है, इन्हें पता भी होता है कि हाँ मेरा कौन सा वाला शेयर है, ठीक है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, तो इन्हें पता होता है। ये अपने अकॉर्डिंग अपने इनका डिसीजन होता है कि हाँ मेरा जितना भी रहेगा, प्रॉफिट में जा रही तो भी लॉस में जा रही तो भी, जितना मैं मेरा जितना भी है उतना मेरा फिक्स्ड अमाउंट का मुझे टाइम टू टाइम मिलता रहे, ओके। सो ये हमने 4 पॉइंट कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 पॉइंट और बाकी है, 5 पॉइंट्स देखेंगे, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ओके।